Hello kids, how's you? I'm your English teacher and your chapter name is 7 number chapter आपका My Dear Little Dog यानी मेरा प्रिय dear यानी क्यों होता students प्रिय little dog छोटा dog तो आपको पता ही है 6 number chapter अपना our lovely राजस्थान का था जिसमें अपने ने राजस्थान के बारे में बात की थी और next जो chapter है आपका माई डियर लिटिल डॉग मेरा प्यारा छोटे डॉग के ऊपर है उसमें अपने इसको रीड करेंगे और जो भी एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करेंगे हाँ तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट माई डियर लिटिल डॉग मेरा प्यारा लिटिल डॉग माई डियर लिटिल डॉग मेरा प्यारा लिटिल डॉग इज माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा परम मित्र है इज यानी है माय यानी मेरा बेस्ट यानी परम फ्रेंड यानी मित्र है यानी मेरा छोटा प्यारा लिटिल डॉग मेरा परम मित्र है व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन होता है जब आई यानी मैं कम यानी आती हूँ फ्रॉम यानी स्कूल फ्रॉम यानी से एफ आर ओ एम क्या बन गया स्टूडेंट्स फ्रॉम यानी से स्कूल जब मैं स्कूल से आती हूँ ही यानी वह यानी वह मीट्स यानी मिलता है मी यानी मुझे एट द गेट वो है मुझे कहाँ मिलता है गेट पर मिलता है ही स्निफ्स मी जब अपने डॉगी कुछ सूंघता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं स्निफ्स सूंघना ही स्निफ मी वह मुझे सूंघता है लिक्स मी अब देखो ये लिक कर रहा है ना इसको मुझे लिक करता है एंड वेक्स हिज टेल टेल यानी होती है पूंछ वेक्स यानी हिलाना डब्ल्यू ए जी एस वेक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स हिलाना वह अपनी पूंछ हिलाता है वह मुझे सूंघता है लिक करता है एंड अपनी पूंछ को हिलाता है एंड रन्स आर यू एन एस रन्स यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स रन्स यानी होता है दौड़ना अराउंड मी अराउंड यानी चारों ओर मी यानी मेरे यानी वह मेरे चारों ओर दौड़ता है अगैन एंड अगैन बार बार एक के बाद एक एक के बाद हाँ तो स्टूडेंट्स रन्स अराउंड मी और वह ही एंड रन्स अराउंड मी वह मेरे चारों ओर दौड़ता है रन्स यानी होता है दौड़ना मी यानी मेरे अगैन एंड अगैन बार बार मेरे चारों ओर दौड़ता है व्हेन आई पैट हिम वैन यानी जब आई मैं पैट हिम पी ए टी पैट होता है स्टूडेंट्स थपथपाना जब मैं उसे थपथपाती हूँ ही जम्प्स वह कूदता है अप यानी ऊपर एंड यानी और डाउन यानी नीचे जब मैं उसकी पीठ थपथपाती हूँ तो वह ऊपर और नीचे कूदता है जस्ट टू टेल मी जस्ट यानी सिर्फ टू टेल मी टेल यानी बताने के लिए मी यानी मुझे एम ई मी क्या होता है मुझे बताने के लिए ही मिस्ड मी कि उसने मुझे याद किया मिस्ड यानी क्या होता है याद करना मी यानी मुझे ऑल डे राउंड यानी पूरा दिन उसने क्या किया उसे याद किया तो स्टूडेंट्स ये किसके बारे में एक लड़की है एक गर्ल है जिसके एक डॉग है उसके बारे में जब वो स्कूल जाती है फिर स्कूल से आती है तो उसका डॉगी उसका वेट कर रहा होता है गेट के पास ही फिर वह उसके उसको स्निफ करता है उसको सूंघता है लिक करता है चाटता है वैक्स हिज टेल अपनी पूंछ हिलाता है और उसके चारों ओर दौड़ने लग जाता है बार बार और उसकी जब वो लड़की उसकी पीठ थपथपाती है तो ही जंप्स अप एंड डाउन वह ऊपर और नीचे कूदने लग जाता है जस्ट टू टेल मी सिर्फ उसे ये बताने के लिए कि उसने पूरा दिन उसे कितना याद किया है तो स्टूडेंट्स ये 7-8 लाइनें थी आपके चैप्टर 7 की ठीक है अब आपको इसमें ओनली ग्लोसरी करनी है ग्लोसरी में देख लीजिए स्निफ एस एन आई डबल एफ स्निफ यानी होता है सूंघना एल आई सी के लेक यानी चाटना डब्ल्यू ए जी वेग यानी हिलाना वो पूंछ को हिलाता ना उसको कहते हैं वेग एंड पी ए टी पैट यानी थपथपाना अब एक्टिविटी फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स एक्टिविटी फर्स्ट में क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट द डॉग डज व्हेन द बॉय कम्स फ्रॉम द स्कूल या गर्ल कम्स फ्रॉम द स्कूल यानी जो डॉगी काम करता है जब वो लड़की घर पे आती है बॉय या जो भी है चैप्टर के अंदर इसने तो लड़की शो कर रखी है
जब भी वो घर पे आता है तो वो डॉग कैसे करता है, उसकी एक्टिविटी के बारे में अपने को इस फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ही डैश मी एट द गेट, इसमें कौन सा वर्ड आएगा, मेट्स, एम डबल ई टी एस, ही मेट्स मी एट द गेट। सेकेंड देख लीजिए, ही डैश मी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, स्निफ, उसे सूंघता है, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एस एन आई डबल एफ, स्निफ मी, वो मुझे सूंघता है। सेकेंड लिक्स, लिक्स मी, एल आई सी के एस, लिक्स मी। एंड वेक्स हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाता है। एंड डैश अराउंड मी अगेन एंड अगेन, और कैसे करने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, तो इस थर्ड में क्या जाएगा, रन्स, रन्स यानी दौड़ना। एंड रन्स अराउंड मी अगेन एंड अगेन, व्हेन आई पैट हिम, जब वो उसे थपथपाती है, ही जंप्स, वो क्या करने लग जाता है, कूदने लग जाता है ना, तो इसमें क्या जाएगा, जंप्स, जे यू एम पी एस, जंप्स यानी कूदना। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो नेक्स्ट एक्टिविटी में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अपने को सर्कल करना है, सर्कल द नेम्स ऑफ द एनिमल दैट आर कैप्ट एज पैट, जिनको अपने पैट के रूप में घर पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैट पैट के रूप में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो हाँ कैट को रखते हैं आजकल के लोग, तो हम कैट पे सर्कल कर देते हैं, कैट को अपने पैट के रूप में रख सकते हैं, तो कैट पे सर्कल कर दिया मैंने। बफेलो को रखते हैं ना हम लोग घर पे रखते हैं, उनके मिल्क को काम में लेते हैं, गोट को भी अपने घर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए स्टूडेंट्स, टाइगर को अपने घर पे नहीं रख सकते, मंकी यानी बंदर, हैन को अपने घर पर रख सकते हैं, माउस को भी नहीं रख सकते, माउस कटिंग कर देता है ना क्लॉथ्स की, कपड़ों की कटिंग कर देता है, तो अपने माउस को भी घर पे नहीं रख सकते। लास्ट वन इज शिप, शिप यानी भेड़, इसको भी लोग घर पर रखते हैं, उससे ऊन बनाई जाती है, इसलिए इसे घर पर रखा जाता है। अब स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, ओनली मुझे लिसन करना है, मुझे सुनना है, एंड स्पीक दिस वर्ड्स, और मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को बोलना है, स्पीक करना है। पैट, मैट, कैट, रैट, हैट, फैन, मैन, वैन, रैन, पेन, कैप, क्लैप, मैप, लैप एंड टैप। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी फोर्थ है, लुक एट द ब्रीड्स ऑफ डॉग्स एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, डॉग्स की भी क्या होती है, ब्रीड होती है, क्या होती है, ब्रीड यानी उनकी नस्लें होती है। अब जैसे ये डॉग है ना, क्यूट सा डॉगी है, इसकी ब्रीड का नाम है पोमेरियन, क्या है, पोमेरियन, तो ये खालिस्तान दे रखा है इसने फिलिंग द ब्लैंक्स, तो हमें इसके अंदर लिखना है दिस इज ए पोमेरियन डॉग, पी ओ एम ई आर आई ए एन, पोमेरियन डॉग। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो छोटे से आकार का डॉगी होता है उसको बोलते हैं डैच शन, दिस इज ए डैच शन डॉग, डी ए सी एच, ये स्पेल इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगी। ओके नेक्स्ट है, इस डॉगी का नाम है बुल डॉग, क्या नाम है, बुल डॉग, तो दिस इज ए बुल डॉग, बी यू डबल एल डी ओ जी डॉग। एंड नेक्स्ट लैब्राडोर, इसका नाम क्या, लैब्राडोर, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए लैब्राडोर डॉग, लैब्राडोर डॉग। जर्मन शेफर्ड, इसका नाम क्या है, जर्मन शेफर्ड, तो हम लिखेंगे दिस इज ए जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, एस एच ई पी आर डी, शेफर्ड। नेक्स्ट है डोबरमैन, इस डॉगी का नाम क्या है, डोबरमैन, तो दिस इज ए डोबरमैन डॉग, डी ओ बी ई आर, डोबर एम ए एन, मैन, डोबरमैन डॉग। इसी तरीके से आपको इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो स्टूडेंट रीड द गिवन पैरामिड ऑफ वर्ड्स, तो रीड अ डॉग, अ ब्लैक डॉग, ए ब्लैक पैट डॉग, ए ब्लैक फैट पैट डॉग, ए ब्लैक फैट लेजी पैट डॉग, अ ब्लैक फैट लेजी लिटिल डॉग, अ ब्लैक फैट लेजी लिटिल स्पॉटी डॉग, एस पी ओ टी डबल टी वाई, स्पॉटी डॉग,
इस तरीके से आपको इनको रीड करना था। तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी हमें फॉलोइंग लाइन्स में इनमें जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उनको पढ़ना है। माय डियर लिटिल डॉग, माय डियर यानी मेरा, डियर यानी प्रिय, लिटिल यानी छोटा डॉग, व्हेन, व्हेन यानी जब, आई यानी मैं, कम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से आती हूँ, ही मीट्स मी, वह मुझे मिलता है एट द गेट, वह मुझे गेट पर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स में क्या कॉमन बात ये है कि ये जो हमें बताते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास एक डॉग है, मेरा प्यारा डॉग है, मैं जब स्कूल से आती हूँ वह मुझे मिलता है, लेकिन डिफरेंट वे में बताया जा रहा है। तो पहले माय का अर्थ होता है मेरा, एम वाई, माय का अर्थ क्या होता है मेरा, आई यानी मैं, मीट्स मी, मी यानी होता है मुझे, यानी डिफरेंट वे में सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है लेकिन उसके कहने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके से कह रहा है। माय यानी मेरा, आई यानी मैं, मी यानी मुझे। ओके, आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब ओनली हमें लेट्स पिक्स वोवल आई, आई को बोलना पिक, विग, फिग, डिग, बिग। अब आई टी किट, के आई टी किट, इट आ रहा ना, बिट, पिट, सिट, हिट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका 7 नंबर चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओनली आपको क्या करना है 7 नंबर चैप्टर में, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 4 वर्ड मीनिंग्स ही दे रखे हैं इसमें एक्टिविटी सेकंड में। वर्ड मीनिंग्स करने के बाद आप क्या करोगे, सर्कल करने वाला काम करोगे। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी फोर्थ में आपको क्या करना है, पहले तो आपको ग्लोसरी करनी है, उसके बाद जो सर्कल करने वाला पोर्शन है वो करना है, और एक्टिविटी फोर्थ में ये पोमेरन, ये जो ब्रीड नेम है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने है। कौन सी नोटबुक में, इंग्लिश रीडर की नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, टेक केयर।